का सवाल है पुणे से, सुजलोन के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है। एनटीपीसी 300 का लक्ष्य, 4000 शेयर है सुजलोन के उनके पास 29 रुपये के भाव पे, और ये एक ऐसा शेयर है आशीष सर जिसने कमाल की रैली दिखाई है। जब भी लगता था कि शेयर अब कितना चलेगा, सरप्राइज किया और चढ़ता गया। लोगों ने ये उम्मीद की गिरेगा, नहीं गिरा, चलता गया। क्या राय होगी सुजलोन पे, इनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें या अभी जो तेजी है इसके साथ चलते चले? जो इसके साथ जो तेजी है इसके साथ चलने का हमें एक मिल जाए होगी, क्योंकि स्टॉक का जो टर्न राउंड है वो डेफिनेट हो रहा है। बहुत सालों बाद इनकी बैलेंस शीट क्लीन हुई है, डेट ना के बराबर है और कंपनी के पास कैपेसिटी भी अब अच्छी है और फंड रेज करने की, क्योंकि 100% ऑलमोस्ट डेट जीरो के बराबर है और कैपिटल बेस काफी बड़ा है मेरे मुताबिक। और जो इसमें डाउन रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि डिमांड बहुत है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, और इनका जो टर्बाइन है ये बहुत अच्छा डिमांड में है और इसको बहुत प्रेफर किया जाता है। सुजलोन की जो विंड एनर्जी की टर्बाइन है उसको बहुत प्रेफर किया जाता है बाकी कंपटीटर्स की तुलना में, तो डिमांड अच्छी है। इनका अपना प्रोडक्ट की बहुत अच्छी और भी ज्यादा अच्छी डिमांड है और कंपनी बिल्कुल क्लीन हो गई है बैलेंस शीट, तो मेरे मुताबिक एक थोड़ा माइंडसेट रहता है कि कितने सालों से, 10-12 सालों से सुजलोन ने अंडर परफॉर्म किया है, तो ये थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज इसमें रहती है कि हम विश्वास नहीं आता कि ये चीज एक्चुअली टर्न अराउंड हो रही है, बट एक्चुअल मेरे मुताबिक इट्स रियलिटी और मेरे मुताबिक अभी भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मेरे मुताबिक अगले कुछ सालों में ये इसकी बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मेरे को आई विल बी सरप्राइज्ड अगर ये 100 के ऊपर ट्रेड ना करें अगले 2-3 साल में, तो अभी भी कोई बुरा नहीं है कि काफी मूवमेंट मिस हो गई है, पर अभी भी किसी भी डिक्लाइन में अगर आप खरीदारी करके 3 साल के व्यू से रखते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे शानदार रिटर्न्स यहाँ इस लेवल से भी आएंगे। तो एक शेयर जहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है यहाँ से आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। नीलेश जी, आशीष सर को यह शेयर पसंद आ रहा है, लगता है तेजी देखने को मिल सकती है।